नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन में काले चने जो हैं मेरे घर में बहुत बनते थे। हफ्ते में एक बार तो तकरीबन इसकी सब्जी बनती ही थी, लेकिन खुश होकर इसको कोई भी नहीं खाता था क्योंकि काले चने जो हैं इतने टेस्टी नहीं लगते थे सबको। फिर मम्मी ने क्या किया, काले चने की चाट बनाने शुरू कर दी। वो चाट इतनी अच्छी बनी कि अब बस उंगलियाँ चाटते रह जाओगे जब आप ऐसी चाट बनाकर खाओगे। वो चाट की रेसिपी अभी भी मेरे पास है, उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के मम्मी जो है बनाती थी। एक कप चने ले लिए हमने काले वाले और उसको भिगो लिया रात भर, फूल जाते हैं वो, और उसके बाद हमने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। पानी उतना ही डालिए जितना अच्छे से जो है ये बॉईल हो जाए, मतलब 1.5 इंच के करीब ऊपर डाला, और आधा चम्मच नमक डाल के 8 से 10 हम इसमें विस्सल ले आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमक डालने से क्या होता है कि सारे चने जो है उसमें नमक अच्छे से आ जाता है और रस जाते हैं। प्रेशर हम रिलीज तब करेंगे, नेचुरली रिलीज करेंगे, अपने आप से इसको जो है ऊपर करके, सीटी ऊपर करके नहीं प्रेशर को रिलीज करना है। नेचुरली जब रिलीज़ होता है ना तो चने जो है हमारे इसमें मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चराइज चने बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, खुश्क नहीं बनेंगे। चनों की तासीर होती है ना, ये जो चने होते हैं ना तकरीब ज़्यादातर ये खुश्क होते हैं, तो अच्छे नहीं, इसीलिए हमें ये पसंद नहीं आते हैं। तो मॉइस्चर इसमें आ जाए तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, तो इसीलिए हमने जो है प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दिया। और आप देख सकते हो चने हमारे अच्छे से जो है गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें चने चाहिए। अब इसके अंदर हल्का सा पानी है वो इसी में रहने देंगे। चने के अंदर नमक भी हमने इसीलिए डाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये भी कि सारे चनों में जो है नमक अच्छे से रस जाएगा। और ये देखिए, आप देखिए मॉइस्चर इसके अंदर कितना, ये देखिए मॉइस्चर से भरपूर है हमारे ये चने। अब ये जब आप इसकी चाट बनाकर खाओगे ना आपको बेहद पसंद आने वाली है। इसको जो अगर आपने डाइटिंग कर रहे हो तब भी आप इसको ले सकते हो, जो नहीं डाइटिंग कर रहे वो भी ले सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर है। एक कढ़ाई ले लेंगे, अब उसमें देसी घी डालेंगे 1 चम्मच, तो एक बड़ा चम्मच हमने देसी घी का डाल दिया। इसके अंदर हींग जाएगी 1/3 स्पून, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ 1 बड़ा प्याज डालेंगे इसके अंदर, और इसको हल्का हल्का हमने जो है सॉटे कर लेना है। हल्का हल्का जब ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च। तो 1 हरी मिर्च डाल दी है, आप अपने स्वाद के अनुसार जो है हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हो। अदरक डाल देंगे 1 चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, उसको भी है जो है हमने इसको इसके साथ ही हिलाकर जो है सॉटे कर लेना है। इसके बाद हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके, और साथ ही नमक डाल देंगे 1/3 स्पून, हमने इसमें नमक ऐड कर लिया। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चनों में भी हमने नमक डाल रखा है। 1/3 स्पून हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, और इसको कसूरी मेथी डाल के जो है हमने हिला लेना है। अच्छे से हमने इस तरह से हिलाकर जो है इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो है अच्छे से हमारे मसाले जो है इसमें रस जाए। टमाटर को हम इस तरह से मैश करेंगे, सॉफ्ट कर देंगे। इसके साथ हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, और इसके साथ ही हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है, और सारे चने जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं पानी के साथ ही। जो बॉईल करने में थोड़ा सा पानी बच गया था ना उसके साथ ही हमने इसको डालना है, और अच्छे से जो है हम इसको हिला लेंगे। इसके प्याज अच्छे से ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर रहने देंगे, बिल्कुल जो है हमने इसको ड्राई नहीं करना है। गैस बंद कर देंगे और इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, इसके साथ जाएगा इसमें बड़े साइज़ का 1 उबला हुआ आलू, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया इस तरह से, तो आलू को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने मन चाहे चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे तो खीरा भी इसमें डाल सकते हो, खीरा भी बहुत टेस्टी लगता है लेकिन खीरा पानी छोड़ जाता है। चकंदर ऐड करेंगे यानी कि बीट रूट 3 चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, बहुत ही फायदेमंद होता है ये चकंदर, ये हमारे ब्लड जो है बनाता है। इसके साथ ही हम इसमें पनीर डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको कट करके पनीर डाल देंगे, बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है ये। पुदीना जाएगा इसके अंदर फ्लेवर के लिए, साथ ही धनिया भी डाल देंगे हम इसके अंदर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। स्प्राउट्स ऐड करूँगी, मूंग के स्प्राउट्स और मोट में इसमें जो है स्प्राउटेड मैं ऐड कर रही हूँ, बाजार में इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो आप इसको जो है स्प्राउट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें अंबी, कच्ची अंबी यानी कि कच्ची कैरी, तो 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा। इसके नमक डाल देना है, काला नमक इसके अंदर डालेंगे 1/3 स्पून, नमक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि पहले भी हम इसमें नमक डाल चुके हुए हैं। नॉर्मल नमक चाहें तो इसमें 1/3 स्पून डाल सकते हो, स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डालिए। अब इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर, इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1/3 टीस्पून काली मिर्च जो कि इसको थोड़ा सा चटपटा स्वाद देगा। इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो, और बिल्कुल बारीक चॉप करके, बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालिए, इसमें बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चटनी, चटनी हमने इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी डालनी है, इसमें इसकी रेसिपी मेरे चैनल में आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। नींबू डाल देंगे इसके अंदर 1 पूरा नींबू, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। प्रोटीन से भरपूर है ये, मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बोन बनाकर आप इस तरह से सर्व करके बच्चों को दोगे ना, ऊपर से सेब डाल दीजिए, इमली की चटनी डालना ना भूलें।
बच्चों को जो स्वाद है इंक्रीज हो जाएगा ना, जो स्ट्रीट फूड स्टाइल वाला टेस्ट देगा, वो बच्चे जो है बहुत ही पसंद करते हैं, तो झट से ये खा जाएंगे और मांगेंगे आपसे इतनी ज़्यादा उनको ये टेस्टी लगेगी। ये देखिए बनाइएगा इसी तरह से कोन में सर्व कीजिएगा, और चाहे तो आप इसमें अनार भी ऐड कर सकते हो, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं अनार को भी, ऊपर से अनार से सजा दीजिए और बच्चों के हाथ में एक कोन पकड़ा दीजिए, तो देखिए खाते हैं कि नहीं खाते बच्चे। काले चने प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं फुल ऑफ प्रोटीन है, आप इसको डाइट में भी ले सकते हो और जब मन चाहे आप इसको बनाकर खा सकते हो। पूरी रेसिपी जो है ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहां कहां से देख रहे हैं, रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं, आप किस तरह से बनाते हो अपने घर में ये प्रोटीन से भरपूर काला चने की चाट। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मज़ेदार वाव लग रही है ये चाट, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटी चाट है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, धन्यवाद।